सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को पूरा हो गया। उन्होंने ऐसे समय अपने पद की बागडोर संभाली थी जबकि उनके दो पूर्ववर्ती मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल विवादों से घिरा हुआ था। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों रंजन गोगोई और शरद अरविंद बोबड़े के कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट की छवि को लेकर न्यायिक हलकों में चर्चा होती रही थी। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के कार्यकाल इन दोनों पूर्व जजों से बेहतर जरूर बताए जा रहे हैं क्योंकि वो विवादों से दूर रहे। गोगोई ने जहां अपने ही खिलाफ दायर की गई याचिका पर अपने ही कोर्ट में सुनवाई की और खुद को आरोप मुक्त किया, तो वहीं बोबड़े भी विवादों से बचते हुए नजर नहीं पाए गए। इस मामले में रमन जरूर खुशकिस्मत निकले, लेकिन कानूनी हलकों में ऐसी चर्चा होती रही है कि रमन्ना को उनके द्वारा की गई टिप्पणियों और उनके भाषणों के लिए हमेशा से ही, जिसकी वजह से वो जाने जाते रहे हैं, उनके फैसलों की वजह से भी वो जाने रहे हैं। कुछ दिनों पहले का भाषण उन सुर्खियों में है जहां आंध्र प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान ऐसीलिए सामाजिक औचित्य खोते जा रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्रियों की तरह काम कर रहे हैं और ये फैक्ट्रियां कुकुर मुत्ते की तरह पनप भी रही हैं। इसी महीने की 24 तारीख यानी कि 24 अगस्त को एक याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन ने टिप्पणी की कि देश में रिटायर होने वालों की कोई कद्र नहीं है। उन्होंने ये टिप्पणी अधिवक्ता विकास सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए की। बता दें कि आंध्र प्रदेश में जन्मे मुख्य न्यायाधीश रमन्ना इस मामले में भी खुशकिस्मत माने जा रहे हैं कि अब से सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को 6 महीने तक रहने की मुक्त व्यवस्था दी जाएगी और इसका लाभ लेने वाले को वो पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे संबंधित अध्यादेश भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने जारी भी कर दिया है। इससे पहले सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया गया। इसे अनैतिक बताते हुए इसकी आलोचना हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार के अनुकूल फैसले देने के बदले राज्यसभा की सदस्यता रिटायर होने दे दी गई, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली को न्यायिक हलकों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं कुछ मानते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी विवाद में ना आए और साफ दामन के साथ विदाई लें। वहीं कुछ मानते हैं कि कई महत्वपूर्ण मामले जिसमें वो हस्तक्षेप कर सकते थे या सुनवाई कर सकते थे, मगर उन्होंने उन मामलों को लंबित ही रहने दिया। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद हटाए जाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं अभी तक लंबित हैं, जबकि अनुच्छेद वर्ष 2019 में ही हटाया गया था और उसके फौरन बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के लिए कई संस्थाओं और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कुछ अधिवक्ता ये भी कह रहे हैं कि ये मामला बेशक उनकी अदालत का ना रहा हो, लेकिन जनहित याचिकाकर्ता को दंडित करने का काम उनके मुख्य न्यायाधीश रहते हुए ही हुआ, जिसने एक नई न्यायिक परंपरा की शुरुआत हुई। एक न्यूज़ वेब पोर्टल में लिखते हुए पत्रकार सौरभ दास ने न्यायमूर्ति रमन के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए लिखा कि चीफ जस्टिस ने इस दौरान कुल 29 भाषण सिर्फ इस बात को लेकर दिए हैं कि किस तरह कानून और संविधान को बचाया जा सकता है। उनके अनुसार उनके अध्ययन में उन्होंने पाया कि राष्ट्रहित के कम से कम 6 मामले हैं जिनकी याचिकाएं आगे बढ़ रही हैं नहीं पाई हैं। उनका कहना है इसके अलावा 53 ऐसे मामले हैं जिन्हें संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाना था, लेकिन वो लंबित ही रह गए। नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त करना, इलेक्ट्रोल ब्रांड को सार्वजनिक करना, कर्नाटक के शिक्षण संस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला, जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना जिसको चुनौती देने वाली 23 याचिकाएं तभी से लंबित हैं, UAPA जैसे कानून को निरस्त करना, मगर अपनी सेवानिवृत्त के 4 दिन पहले यानी जाते जाते चीफ जस्टिस ने दिल्ली की सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित याचिका के लिए संवैधानिक पीठ का गठन करने की घोषणा जरूर की है। वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल का कहना है कि बेशक न्यायमूर्ति रमन ने अपने कार्यकाल में कोई बड़ा फैसला या कोई अचंभा नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो काम किया है जो बहुत ज़रूरी था। वहीं की कामिनी जायसवाल कहती हैं
पिछले दो मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल के बाद लोग हताश और निराश हो गए थे। न्यायमूर्ति रमन ने लोगों के न्यायपालिका के लिए दोबारा विश्वास पैदा किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को बताया कि लोकतंत्र कितना मजबूत होता है, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के जगदीप छोकर ने एक वेब पोर्टल से बातचीत की और कहा कि उनकी संस्था ने पिछले मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान ही इलेक्ट्रोल ब्रांड्स और राजनीतिक दलों की कॉपरेटिंग फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि इस योजना की भारतीय रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग भी आलोचना की थी। उनकी संस्था ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया भी था और याचिका दायर की थी जो लंबी थी रह गई और 48वें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा भी हो गया।